हमारी आपकी जीवात्मा से। संतों ने कहा कि ए जीव, ए मनुष्य, ए गोरी, कुछ ऐसा हुनर सीख लो कि प्रेम का सीखो जतनवाय गोरी, मिली है तब है सजावाय गोरी। सीख लो, प्रभु के नाम को जान लो, और निष्काम भक्ति अगर हम आप करेंगे तो ईश्वर हमारी आपकी अंतर आत्मा को पहचानता है, हमारी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और हमारा आपका प्यार हमको आपको दर्शन देगा। लेकिन कैसा प्रेम, जैसे मछली प्रेम करे जल से, जैसे मछली प्रेम करे जल से, ऐसा प्रेम उदाहरण में भक्तों दिया गया कि जैसे मछली प्रेम करे जल से। मछली जल से कितना इतना जल भरा हुआ है रास्ते में, गर्मी का मौसम है, दिन में हम आप 10 बार माता रानी के दरबार में आते जाते हैं लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। अभी एक महीना व्यतीत हो जाए और उसके बाद अगर इतने जल में हमको आपको जाना पड़े तो क्या होगा भैया? कुछ बारों तनी ताप ले, गोड़ बहुत ठंडा है ये। लेकिन मछली, मछली जल से कितना प्रेम करती है कि चाहे जैसा भी ऋतु हो जल को ही अपना जीवन समझती है और उसी में सारा जीवन व्यतीत कर देती है। कक्षा 1 की किताब में पहले कविता आता था कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी तो बाहर निकालो मर जाएगी। जल को ही अपना जीवन, इतना प्रेम करती है मछली जल से कि आजीवन अपना उसी में गुजार देती है। अगर इसी प्रकार हम आप माता रानी से या ईश्वर से अपने जीवन की डोर उसके हाथ में